Hello dear student, I am Poonam from Poonam Aswal classes. So today in this video we are going to discuss the question answer of chapter No Men Are Foreign. The first question is, beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? Yani har uniform ke niche wo kaun si uniform hai jiske bare mein poet baat kar raha hai. Answer is, the poet speak about the various dresses that people of various countries wear, but beneath them the human body is same. Yani poet kis various dress ki baat kar raha hai jo har country mein alag alag pehni jati hai, but usme jo human body hai wo same hoti hai, wo alag nahi hoti chahe wo kisi bhi country ki ho. Now question number B is, how does the poet suggest that people on the earth are the same? यानी poet कैसे कहता है कि जितने भी अर्थ में लोग रहते हैं वो सब के सब क्या हैं, वो सब के सब सेम हैं. तो answer is, all the people are the creation of God. They are a human being, they breathe in the same. यानी जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो सारे के सारी वो creation किसकी है? God की creation है. और उन लोगों को वो ह्यूमन जो वो बींग है उनको गॉड ने बनाया है. दे आर अ ह्यूमन बींग और वो सब ह्यूमन बींग है. दे ब्रीथ इन द सेम वे, वो एक जैसे ही सांस लेते हैं, जैसे फॉरेन के लोग सांस लेते हैं वैसे ही हम लोग भी सांस लेते हैं. दे स्लीप एंड वेक अप इन द सेम वे, वो लोग जैसे सोते हैं वैसे ही हम लोग भी सोते हैं, वो जैसे उठते हैं वैसे ही हम लोग भी उठते हैं. सो द पोइट suggests that all the people on the earth are the same. इसीलिए poet suggest कर रहा है कि जितने भी लोग अर्थ में रहते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं. Now question number 2 is, in the stanza 1 find 5 ways in which we all are alike, pick out. यानी first stanza में हमें कैसे पता चलता है कि हम सब एक हैं, पांच वेव्स ऐसे बताओ यानी जो पोएम में लिखे गए हैं. तो आंसर इज, वर्ड विच सजेस्ट द फाइव वेव्स, यानी वो पांच शब्द जो हैं वो क्या है. फर्स्ट, ईच ऑफ अस हैज़ अ सिमिलर बॉडी, जितने भी लोग हैं उन सब की बॉडी कैसी है, सेम है. सेकंड इज, ऑल ऑफ अस ब्रीथ, हम सब सांस लेते हैं. थर्ड इज, ऑल ऑफ अस वॉक, हम सब चलते हैं. फोर्थ इज, ऑल ऑफ अस लाई, इसका मतलब है कि हम सब झूठ भी बोलते हैं. फिफ्थ इज, वी लिव एंड लाई ऑन द सेम अर्थ, और हम लोग जीते भी एक ही अर्थ में हैं और मरते भी उसी अर्थ में, चाहे वो फॉरेन के हो या इस कंट्री के हो. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाउ मैनी कॉमन फीचर कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2, पिक आउट द वर्ड्स. आंसर इज, यानी स्टैंजा 2 में हमें क्या कॉमन फीचर मिलते हैं. तो गाइस आप प्लीज़ स्टैंजा में 2 ज़रूर लिख देना क्वेश्चन में. आंसर इज, वी ऑल इन्जॉय द सेम सन एयर एंड वाटर, हम सब के सब सन हवा और पानी में बहुत इन्जॉय करते हैं. एंड वी ऑल लीव वेल इन अ पीस बट स्टार्व ड्यूरिंग द वॉर, हम सब शांति से रहना पसंद करते हैं बट जब वॉर छिड़ती है तो हमें भूखे भी रहना पड़ता है. वी ऑल हैव हैंड एंड वर्क विद देम, हम सब लोगों के हाथ होते हैं और हम उन हाथों से हम क्या करते हैं, काम करते हैं. तो ये स्टैंजा 2 में बताया गया है कि जो कि कॉमन फीचर है उन लोगों से भी मैच होता है जो फॉरेन कंट्री के, और हम लोगों से भी मैच होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर, व्हेन डू यू थिंक दिस हैपन, व्हाई, हु टेल अस, शुड वी डू एज वी आर टोल्ड एट सच टाइम, व्हाट इज द पॉइंट. यानी हम लोगों को बोला जाता है कि वो दूसरे देश के हैं, हमें उनके लिए बोला जाता है उनकी उनसे नफ़रत करो जो कि हमारे भाई लोग ही हैं. तो आपको क्या लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? तो इसमें पोइट क्या कहता है. आंसर इज़, व्हेनेवर देयर इज़ अ वॉर, लीडर टेल पीपल टू हेट दी अदर कंट्री. जब भी वॉर होती है तो जो लीडर होता है वो क्या करता है, पीपल को बोलता है कि आप जो दूसरी कंट्री के लोग हैं उनसे हेट करो. They tell us to do so because of their personal gain, but we should not act as a puppet in their hand and do they say. वो तो उसका personal reason हो गया जिससे वो हमें कहता है कि दूसरी country से hate करो, मगर हम भी puppet हैं क्या, हम कठपुतली हैं जो उसके हाथों की तरह घूम जाएंगे, जैसे वो कह रहा है हम वैसे वैसे घूमते रहेंगे.
नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. द पोइट सेज दैट इफ वी फाइट अगेंस्ट देम वी किल एंड कंडेम आर सेल्फ. तो पोइट बोलते हैं कि अगर हम फाइट करते हैं तो हम अपने आप को ही किल करते हैं. इसलिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. ओके, क्वेश्चन आंसर इज कम्प्लीट. थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ ऑल्सो. थैंक यू.